काशीपुर में तहसील परिसर में अधिवक्ताओं के दो चैंबर्स में अचानक आग लग गई। आग का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने से चैंबर्स में रखे लैपटॉप, प्रिंटर, इन्वर्टर, फर्नीचर और जरूरी दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। तहसील परिसर में शनिवार सुबह 8 बजे एडवोकेट उस्मान मलिक और एडवोकेट सूरज कुमार के चैंबर्स से धुआं उठता नजर आया। देखते ही देखते दोनों चैंबर्स में आग भड़क गई। आग लगने की जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। आग लगने से हुए नुकसान के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है। शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगने की संभावना जताई जा रही है। आप देख रहे हैं कि जितने भी चैंबर्स हैं वो सारे के सारे टीन शेड डला हुआ है और बीच में जो है अधिवक्ता बैठते हैं, पार्टियां बैठती हैं और अंदर जो है बिजली की तारें भी हैं। अगर बाय द वे यहाँ पे कोई जो तार लीक हो जाए तो ये करंट आने से किसी की मौत भी हो सकती है। अभी सुबह शॉर्ट सर्किट हुआ और उससे ये आग लग गई और समय रहते हुए अगर इसे ना रोका जाता तो ये पीछे वाले सारे चैम्बर जो थे वो सारे जल गए होते। तो बड़ी ही दुखद घटना है। इसमें पड़े हुए सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे और जो भी यहाँ पे प्रिंटर थे, लैपटॉप थे, जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, रिपोर्ट था, सारा टोटल सभी कुछ जो जल के खाक हो गया। अभी तो कोई किसी तरीके की अप्लाई नहीं किया है। अभी तक पता चला है कि शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लगी है। नहीं, कुछ यहाँ से फोन वगैरह किया था तो फायर सर्विस आई थी। अभी तो सामान वामान भी समेट रहे हैं, उसके बाद पुलिस कार्रवाई की FIR कराएंगे क्योंकि सब मूल दस्तावेज काफी जल चुके हैं, बचा ही नहीं है कुछ भी। आप देख रहे हो, आपको सामान खाली कर दिया चैम्बर। बाकी कंप्यूटर है, इन्वर्टर है, टैब है, प्रिंटर है, दोनों लोगों के, उस्मान भाई का भी है और दोनों चैम्बर, लैपटॉप है, दो तीन दिन सभी के सब चल गए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।